जम्मू कश्मीर में आखिरकार बड़ी कार्रवाई को अंजाम मिल ही रहा है। पता चला कि रविवार के दिन देर रात को उमर और महबूबा को नजरबंद कर दिया गया। इसके साथ ही स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, मोबाइल इंटरनेट को भी ठप कर दिया गया है, धारा 144 लगा दी गई। आज सुबह 9:30 बजे PM आवास पर कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई जा रही है। जम्मू कश्मीर पर बड़े फैसले से पूर्व राज्य में रविवार देर रात घटनाक्रम तेजी से बदल गया। पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन को उनके घरों में नजरबंद कर दिया गया। घाटी में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है और 144 लगा दी गई है। वादी में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं। राज्य के सभी शिक्षण संस्थान भी बंद कर दिए गए। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच आपात बैठक बुलाई, जिसमें पुलिस और प्रशासन के बड़े अफसर शामिल हुए। अफसरों को संपर्क करने के लिए सैटेलाइट फोन दिए गए हैं। इधर उमर और महबूबा ने दावा किया है कि उन्हें उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक समाचार एजेंसी के सूत्रों ने कहा है कि उमर और महबूबा को घर से नहीं निकलने के लिए कहा गया है। कांग्रेस नेता उस्मान माजिद और माकपा विधायक MY तारीगामी ने भी दावा किया है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। शाम तक शांत दिख रहे कश्मीर में देर रात अचानक प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई। कुल मिलाकर कश्मीर में जो हालात बन रहे हैं उनको देखते हुए कोई बड़ा अहम फैसला वहां लिया जाएगा। कश्मीर के अलावा जम्मू संभाग के भी सभी जिलों में अगले आदेश तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जिला उपायुक्त जम्मू सुषमा चौहान और उधमपुर के DC पीयूष संघल ने भी इसकी पुष्टि की है। सोमवार को निजी और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। धारा 144 यहां पर भी लागू कर दी गई है और कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है। जम्मू संभाग में सुरक्षा बलों की 40 कंपनियां तैनात की गई है और राजौरी तथा पुंछ में सुरक्षा बलों ने रविवार को फ्लैग मार्च भी किया है। कुल मिलाकर कश्मीर में आतंकी खतरे, सुरक्षा तैयारियों और आगे की रणनीति पर विचार करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह द्वारा रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक भी की गई। अब यह बताया जा रहा है कि यहां कोई एक बड़ी कार्रवाई अंजाम में आने वाली है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।